हेलो, मैं जय जय राम आपका अपने यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। इस वीडियो में मैंने सामान्य विज्ञान टॉपिक में वाटर यानी कि जल को सम्मिलित किया है। इसमें हम सीखेंगे कि जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, कठोर और मृदु जल क्या होते हैं, किन लवणों के घुलने के कारण जल कठोर हो जाता है और जल की कठोरता को दूर करने की कौन कौन सी विधियां हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। जल यानी कि वाटर पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। इसका द्रवीय रूप है। सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है। जब वो जल का तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम होता है तो बर्फ में बदल जाता है यानी कि जम जाता है, जो इसका ठोस रूप है। जब जल का तापमान 100 सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हो जाता है तो जल वाष्प में बदल जाता है, जो इसका गैसीय रूप है। यानी जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, द्रव, ठोस और गैस। अब देखिए रासायनिक संगठन क्या होता है जल का। जल एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2O है। अणु सूत्र के अनुसार इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होता है। जल ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड है, एक स्थायी यौगिक है, यानी कि इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसके जो इसमें तत्व होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, किंतु वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः जल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम इसके अणुओं को यानी जल के में जो परमाणु हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो इसके लिए इसमें लगभग 500 सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ता है। या इसके अलावा दूसरा तरीका है विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, अणुओं में तोड़ा जा सकता है। जल के गुण क्या होते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन एवं पारदर्शी होता है। यानी शुद्ध जल है, उसका कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता है और पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल का हिमांक क्या होता है। जब हम जल को ठंडा करते हैं तो 0 सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ में बदल जाता है, तो 0 सेंटीग्रेड तापमान जल का हिमांक कहलाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो 100 सेंटीग्रेड पर पहुंचने पर उबलने लगता है और इसके बाद वाष्प में बदलने लगता है, तो जो 100 सेंटीग्रेड का तापमान है इसे जल का क्वथनांक कहते हैं। जल का बर्फ में बदलना, ताप बढ़ाने पर पुनः जल में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। अब देखिये जल का घनत्व क्या होता है। प्रायः किसी पदार्थ का घनत्व तो उसके द्रव अवस्था की अपेक्षा ठोस अवस्था में अधिक होता है, अर्थात पदार्थ का जो ठोसीय रूप है वो द्रव से भारी होता है हमेशा, परंतु जल में इसका विपरीत गुण पाया जाता है। यानी कि जल की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है, अर्थात जल के जो द्रव रूप से बर्फ हल्की होती है, यानी बर्फ में बदलने पर जल का घनत्व कम हो जाता है बजाय बढ़ने के, और आयतन बढ़ जाता है। जल एक विलायक के रूप में, जल एक बहुत अच्छा विलायक है। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, परंतु जमीन पर गिरने पर उसके विलायक गुण के होने के कारण उसमें विभिन्न खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। प्राकृतिक जल में कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुली रहती हैं। ये जल में घुली गैसें जलीय जीवों के श्वसन क्रिया में काम आती हैं। यानी जो जलीय जीव है वो इसी गैस से अपनी श्वसन क्रिया
करते हैं कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। मछलियों में इन जो जलीय जीव है इनमें विशेष अंग पाए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए। जैसे मछलियों में गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है, गलफड़ों से मछलियां जल में घुली ऑक्सीजन को ले लेती हैं और श्वसन क्रिया संपन्न करती हैं। अब देखें कठोर एवं मृदु जल क्या होते हैं। कठोरता के आधार पर जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। अब कठोर जल क्या होता है, इसे साबुन के साथ झाग बनने के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है। जो जल साबुन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल कहलाता है। मृदु जल का है जो जल साबुन के साथ सरलता एवं शीघ्रता से और काफी मात्रा में झाग उत्पन्न करता है वो मृदु जल कहलाता है। जल की कठोरता के कारण क्या है, जल में कुछ विशेष प्रकार के लवण घुले रहते हैं जिनके कारण जल कठोर हो जाता है। देखें कौन कौन से लवण जल में घुले रहते हैं। कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। यानी कि जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के, देखिए बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहते हैं तो जल कठोर हो जाता है। अब देखें जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। नंबर एक अस्थायी कठोरता, जब जल में सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, यानी जब जल में केवल बाइकार्बोनेट घुलते हैं तब जल अस्थायी कठोर माना जाता है, यानी कि जल की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। और अस्थायी कठोरता को जल को उबाल देने से या इसमें चूना मिला देने से आसानी से दूर किया जा सकता है। दूसरे प्रकार की होती जल की स्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले रहते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। और ये स्थायी कठोरता को आसानी से नहीं जल को उबालने से कठोरता दूर नहीं की जा सकती है। इसके लिए देखें जल की कठोरता दूर करने की विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अस्थायी कठोरता को किन विधियों द्वारा अलग दूर किया जा सकता है। नंबर एक है उबाल कर, इन्हीं जल को हम जब उबाल देते हैं बढ़िया करके तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, इससे स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। जब हम जल को उबालते हैं तो क्या होता है कि जल के उबालने पर उसमें जो विलेय बाइकार्बोनेट है वो अविलेय कार्बोनेट में विघटित हो जाते हैं और तली में बैठ जाते हैं। जो कार्बोनेट तली में बैठ जाते हैं जो अविलेय है जल में, तो उन्हें जल को निथार कर या उसे छान कर अलग कर दिया जाता है, जिससे जल हमारा शुद्ध हो जाता है, मृदु जल प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसमें देखें किस तरीके से हम जल को जब गर्म करते हैं तो इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं। देखिए जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2 बनता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं, इन्हें निथार कर या छान कर जल से अलग कर दिया जाता है और हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है इसमें चूना जल मिलाकर। कठोर जल में उचित मात्रा में चूना जल मिलाने से कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूना जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, जिन्हें छान कर अलग कर दिया जाता है और हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। देखें स्थायी कठोरता को दूर करने की कौन सी विधियां हैं। नंबर एक सोडा डालकर, इस विधि द्वारा जल की स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताओं को दूर किया जा सकता है। कठोर जल में धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाने से क्या होता है, जल में घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण सोडा से अभिक्रिया करके अविलेय कार्बोनेट के रूप में अपक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें छान कर अलग कर दिया जाता है और हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है, दूसरी विधि है आसवन द्वारा। जल कठोर जल का आसवन करके ये सभी घुलनशील ठोस अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, यानी जो जल आसवित होके जाता है वो एकदम शुद्ध होता है और पूर्णता मृदु जल प्राप्त होता है।
इससे प्राप्त जल को आसुत जल कहा जाता है। अब देखें, जल कठोर जल से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं या हानियां होती हैं। साबुन से साथ झाग कम देता है, इससे क्या होता है कपड़े धुलते हैं तो अधिक साबुन खर्च करना होता है। बाथटब टाइल्स में परत जैसी जम जाती है, बर्तनों की चमक में कमी आ जाती है, इससे कपड़े धोने से कपड़े पीले पड़ने लगते हैं। दाल आदि पकाने में अधिक समय लगता है, नल के पाइप में पपड़ी नुमा जम जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।